नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्वस्तिक को कल्याण का प्रतीक क्यों माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह किसी धर्म विशेष का नहीं है, बल्कि सभी धर्मों और सभी प्राणियों के कल्याण की भावना इसमें निहित है। इसीलिए केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी धर्मों ने इसे सबसे पवित्र शुभ संकेत माना है। हर शुभ और कल्याणकारी कार्य में प्राचीन काल से ही स्वास्तिक के चिन्ह को पहले स्थापित करने का नियम है। गणेश पुराण में कहा गया है कि स्वास्तिक भगवान गणेश का रूप है। मांगलिक कार्यों में इसकी स्थापना अनिवार्य है। इसमें बाधाओं को दूर करने और सभी अमंगल को दूर करने की शक्ति है। जो व्यक्ति बिना स्वस्तिक के शुभ कार्य करता है, वह निर्विघ्न सफल नहीं होता है। इसी वजह से किसी भी शुभ कार्य के शुरू होने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्वास्तिक वाचन करने का विधान है। यह सकारात्मक धनात्मक को भी इंगित करता है, जो समृद्धि का प्रतीक है। स्वस्तिक के चारों ओर स्थित बिंदुओं को चार दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक की चारों भुजाएं चार दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चार युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा जी के चार मुख और चार हाथों के प्रतीक माना जाता है। ऋग्वेद के एक ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। स्वस्तिक पुण्य, सौभाग्य, शांति और आशीर्वाद के अर्थ में भी लिया गया है। स्वस्तिक को अविनाशी ब्रह्म का नाम दिया है। इसे धन की देवी श्री लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक के प्रतीक का उपयोग चार दिशाओं के अधिपति देवताओं अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम के पूजा करने के लिए किया जाता है और सप्तऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए इसके महत्व को समझते हुए हमें इसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।